अच्छा साले, स्ट्रेट लाइन एल पासिस थ्रो पॉइंट 3, -2 इज इंक्लाइंड एट 60° टू लाइन √3x + y = 1। एल ऑल्सो इंटरसेक्ट x-axis इक्वेशन ऑफ एल इज, ऑप्शन ए है y − √3x + 2 + √3 = 0। ऑप्शन बी में √7 − x + 5 + 4 √3 = 0। एन ई डी में बहुत बार ये रिपीट हुआ है सवाल, √5y − x = 0, y + √3x + 2 − √3 = 0। तो डियर डियर डियर, बड़ा अच्छा पूछो सवाल है। यानी एक पॉइंट तो देखो क्या दे रहे हैं, 3, -2, और दरमियान में एंगल है 60°। अब हमें पता है कि जी एक एम होता है, स्लोप होता है, हमें एम के लिए तो पता ही नहीं है। तो एक इक्वेशन होती है y − y1 = mx − x1 लगा देंगे। अब इसको लगा के थोड़ा रीअरेंज करा, ये देखो ना mx इधर है, -mx ये इधर जाके चला जाएगा, ठीक है 2, और 2 को तो बल्कि इधर ही रहने दिया, ये -3m को भी इधर लेके +3m कर दिया, ठीक है ना। और अब आप देखो एंगल कितना है 60, तो tan 60 √3 होता है, इसको सॉल्व करो तो m की वैल्यू आ गई √3। अब नहीं भी आई हो तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, चार ऑप्शंस को अगर देखो तो ये तो ऐसी इक्वेशन है जिसमें y अकेला है, फिर x के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन से, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, बस ये तो हो सकते थे। लेकिन इतनी बात तो हमें यहीं से पता चल गई थी, लेकिन जब हमें ये भी पता चल गया कि m की वैल्यू √3 है, तो फिर m की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूँगा भाई, यहाँ और यहाँ, m की जगह जब √3 यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट।